कोलकाता डाक्तरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामलें पूरा देश मागुछे न्याय। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डाकरा रे सकाळ 6टारु आरंभ होईछि देशव्यापी डाक्तरंक धरना। डाक्तरंक ही आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिलता बेले विभिन्न मेडिकल रोगी सेवा ठप हो जाइछि, जहाँ को नहीं हंतसत होती रोगी। प्रतिवाद भितरे जारी रही जरूरीकालीन सेवा। एवं कोलकाता महिला डाक्तरों सह दुष्कर्म मामलें आसी नुआ मूल। यह मामलें आरंभ ही एविडेन्स टैंपरिंग प्रमाण नष्ट कर संगीन अभियोग आनी जातीय महिला कमिशन। महिला कमिशन पक्षर कर तदंत अस्पष्ट हो डाक्तरों भितर पुणि तेजी असंतोष। अभया दोषी को फांसी दंड देवा जोरदार दाबी। तेरे घटना को चपाइवा किए षड्यंत्र करदंत करने को दावी उठी। सेबे मध्यरात्रि हस्पिटाल भंगारुचा घटना नहीं ममता सत्ता भर्त्सना कोलकाता हाइकोर्ट। 14 तारीख मध्यरात्रि हजार हजार उपद्रवी मेडिकल कॉलेज रे पशि भंगारुचा कले, जहाँ ममता निर्देश में प्रतिवादकारी आटाक होबार अभियोग आरोधी। ऐसा लगता है कि जो कलकत्ता में हुआ वो गलत हुआ है, और जो गलत किया है लोगों ने उसको सजा होना चाहिए और वैसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर लोग अपने तन मन धन से वो अपनी सेवा दे रहे और उनके सरकार ने उनको सपोर्ट करना चाहिए, और जो लोग हैं जनता उन्होंने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम सरकार ने करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी। और क्योंकि डॉक्टर लोग एक लोगों के लिए देवदूत जैसा है। देखिए, मामला सीबीआई के जाने के बाद जिस तरह से सबूत मिटाने का प्रयास ममता बनर्जी की सरकार ने किया वो बेहद शर्मनाक है। अब टीएमसी को अपना नाम बदलकर जो है उसको तालिबानी मजहबी करप्ट कांग्रेस कर देना चाहिए। उसने यही हरकत की है। लगातार बेटियों के साथ बंगाल में बलात्कार की घटनाएं होती है, और बलात्कारियों के प्रति ममता बनर्जी ममता दिखाती हैं, और जो बलात्कार पीड़िताएं हैं उनके प्रति जो निर्ममता दिखाती हैं वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। सीबीआई को मामला सौंपते ही जो है वहां डिमोलिशन की कार्रवाई की जाती है, और प्रदर्शनकारियों पर जितना बीभत्स हमला किया गया है, हिंसक हमला किया गया कारना, और ये हमला करने वाले निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे हैं। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि ममता बनर्जी बलात्कारियों हत्यारों गिरोहबाजों की जो है वो सरगना बन गई है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, और कोलकाता का विशेष करके मेडिकल को लेकर के आज सेफ्टी का कंसर्न है, ये सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी का नहीं है। ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाला डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और मेडिकल में जितना स्टाफ है ये उसका मसला नहीं है, ये देश का मसला है, सिक्योरिटी का मामला है, ये सोसाइटी में बड़ा एक इशू है। और पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है ये तो सब लोग मिलकर के इसको चिंता करने का विषय है, और सब चिंता भी है। ये मेरे ख्याल से अब ये आक्रोश जो है सिर्फ मेडिकल के लोग नहीं है, ये पूरा पब्लिक भी इसमें काफी चिंतित है, आक्रोश भी है। तेज अधिक आलोचना कटक एसबी मेडिकल नहीं जाठार आम प्रतिनिधि देवाशीष धल आम सहित जोड़ी। देवाशीष, पूरा देश आज न्याय मागुची, प्रत्येक महिला आज न्याय मागुच्च, प्रत्येक डाक्तरी छात्र छात्री केवल नुहति प्रत्येक छात्र छात्री आज न्याय मागुच्च कि देखुं एसबी रे विक्षोभ जारी रही डाक्तरी छात्र छात्री मैंने विक्षोभ कर देखुं पूरा स्थित से निहाती भाव ये दुष्कर्म नुहे गोटे महिला को गण दुष्कर्म करवा हत्या करवा निहाती भाग लज्जाजनक कथा आउ लज्जाजनक करापर जो पश्चिम बंग सरकार जो भाई भाव हाल्का भाव नहीं भाग लज्जाजनक कथा आउ यह आज तृतीय दिन में कहपर एसीबी परिसर भितर जेडीए मान जूनियर डाक्तर एसोसिएशन तरफ से स्ट्राइक बस न्याय मागुचान सहित आम सीधा साल कथा देखो से विभिन्न प्लाकार्ड धरती सीधा कथा तृतीय दिन में आज आपंकर स्ट्राइक केते भावुंत कि न्याय केते झीटी को न्याय केवल दरकार आपण मैंने कौन दाबी रखुने नहीं आमर तो दाबी गोटे आज्ञा जे ताकू जस्टिस मिलू न्याय मिलू
ସେତିକି ହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି କି ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ, ରୋଗୀର ସେବା କରିପାରିବେ। ସେଇ ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ଆମର ଯେ ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳୁ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ, ସେତିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ। ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବନି ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ କେମିତି ସେବା କରିବେ? ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ତ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ସେଇ ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଗତ ପାଇଁ ଆଠ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ପଶ୍ଚିମ ସରକାର କେତେ ହାଲକାରେ ନେଉଛି ଘଟଣା ଦେଖୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ କହିପାରିବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଜିନିଷରେ ଯାଇକି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି, ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ଆମର ତ ଭରସା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଆମର ସେହି ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କରି ଡାକ୍ତରମାନେ ପୁରୁଷ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଠି କହିପାରେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା, କେତେ ସେଫ୍ଟି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ? ଆଉ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଏକ ହେଇଛି, ସେଫ୍ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଫିଲ୍ ହେଉନି, ଶୁଣିକି ହିଁ ରୋମଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ୟା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନହେଲେ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଯଦି ନ ହେବ ଏଇଟା ହେଇ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଡର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଡର ରହୁନି, ସେ ଡର ନ ଆସିବ ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବନି ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ସେଫ୍ଟି ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ବି କାମ କରିପାରିବୁନି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଦେଶ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ପୁରା ମହିଳା ସବୁ ମହିଳା ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।